हेलो फ्रेंड्स, माय फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ जन्माष्टमी के भोग के लिए स्पेशल पंचमेवा लड्डू की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। लड्डू के लिए सबसे पहले हम चाशनी तैयार कर लेंगे। ये मैंने 1 कप चीनी ले ली है, 1 कप ही हम इसमें पानी डाल देंगे। इसे हम 5 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। अब चीनी इसमें अच्छे से घुल गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और चाशनी को ठंडा कर देंगे। अब हम पैन में 2 बड़े चम्मच देसी घी डाल देंगे। 2 बड़े चम्मच हमने इसमें देसी घी डाल दिया। अब हम इसमें मखाने डाल देंगे। इसे क्रिस्पी होने तक हम इसे रोस्ट करेंगे। ये मखाने अच्छे से रोस्ट हो गए, इसे हम निकाल लेते हैं। अब इसमें हम बादाम डाल देंगे, इसे भी हम रोस्ट कर लेंगे। बादाम भी अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, इसे भी हम निकाल लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके डालने से इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। अब इसमें हम थोड़े से काजू डाल देंगे, इसे भी हम रोस्ट कर लेंगे। काजू भी रोस्ट हो गए हैं, इसे हम निकाल लेंगे। इसमें हम 2 चम्मच घी और ऐड कर देंगे। ये मैंने 1 कटोरी डेजिग्नेटेड कोकोनट ले लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे थोड़ा सा ही रोस्ट करेंगे। इसे हमने थोड़ा सा रोस्ट कर दिया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसमें हम थोड़ी सी किशमिश ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब ये फूल मखाने ठंडे हो गए हैं, इसे हम ग्राइंडर में डालकर इसे हम दरदरा पीस लेंगे। ये हमने डेजिग्नेटेड कोकोनट जो रोस्ट किया था, इसमें हम फूल मखाने जो हमने पीस लिए हैं इसका इसमें डाल देंगे हम इसका दरदरा पेस्ट। ये जो काजू और बादाम हमने रोस्ट किए थे, इसे हम एक साथ ही पीस लेंगे, इसे भी हम दरदरा ही पीसेंगे। ये काजू और बादाम को भी हमने पीस लिए, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इस मिक्सचर में थोड़ी थोड़ी चाशनी ऐड करेंगे। चाशनी आप सिर्फ उतनी डालिए कि इसकी सिर्फ बाइंडिंग हो जाए अच्छे से। ये देखिए, इसकी बाइंडिंग होनी स्टार्ट हो गई है। इसमें हमने सिर्फ आधी ही चाशनी यूज की है। अब हम इसके लड्डू बना लेंगे। इसी तरह से बाकी भी बना लेंगे। पंचमेवा ड्राई फ्रूट लड्डू बनकर एकदम तैयार हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको मेरी नई डिश की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।